वज्रजम नवाज शरीफ का कहना है कि कराची में अम की मुकम्मल बहाली तक विफाकी हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी लीगी रहनुमाओं को सिंध में पार्टी को मुस्कम करने के लिए तंजीम साजी पर तोज्जो देने की हिदायत इस्लाम में मजहब की जबरी तब्दीली जुर्म है पाकिस्तान किसी मजहब की मुखालफत के लिए वजूद में नहीं आया कराची में वजी अजम का होली की तकरीब ऐसी खिताब हिंदू बिरादरी के लिए पचास करोड़ रुपए फान का ऐलान ऑपरेशन रद्दुल फसाद का मकसद मुल्क में अमन अमान का क्या और इस्तेहकाम यकीनी बनाना है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद इस्लाम में से खिताब जनरल कामत जावेद बाजवा का, का कहना है कि पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों और आवाम की कुर्बानियों ने मुल्क महफूज बना दिया है कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में सोशल मीडिया पर गुस्सा खाना मवाद के खिलाफ मजम्मती करारदादे मुतफा तौर पर मंजूर कर ली गयी छठी खाना मर्दों शुमारी का आगाज कल से हो रहा है पहले मरहले में पंजाब फाइटा और कश्मीर गिलगित बल्दिस्तान के अजला में मर्दमशुमारी होगी चेयरमैन पीपल्स पार्टी का हुकूमत से बाबर बट के कतलों की गिरफ्तारी का मुतालबा बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है की मुतासरा खानदान को हर सूरत इंसाफ मिलना चाहिए योम पाकिस्तान परेड इस्लामाबाद में दफा एक सौ चवालीस नाफिज जिले इंतजामिया के अफसरों और एहलकारों की छुट्टिया मंसूख नेप्रा ने नैप्रा ने ने को ही बिजली पैदा करने का लाइसेंस जारी कर दिया नेप्रा टावर तीन साल में पंद्रह आशारिया नौ मेगावाट शम बिजली पैदा करेगा और बुकी से राबदे का एतराफ स्पॉट फिक्सिंग में फॉल्स बॉलर मोहम्मद इरफान मअतल डी ने चार्जशीट जारी करते हुए चौदह रोज में जवाब तलब कर लिया आपने जाने खबरों में शामिल करते हैं, हैं आजम का, है का कहना था कि कराची की बहाली तक जारी रहेगा सुबाई और बल्दिया अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें उन्होंने कहा लाहौर या दीगर शहर तरक्की कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकता वजी नवाज शरीफ ने कहा कि सर्कुलर रेलवे को सी पैक का कहना था जमात नहीं पेशा के खिलाफ हो रहा है उन्होंने रहन को हिदायत की पार्टी को मजबूत करने के लिए तंजीम साजी पर तोजो दी जाए इसके अलावा वजी नवाज शरीफ से ताजरों के वफ ने भी मुलाकात की वजी आजम नवाज शरीफ ने यकीन दिलाया कि के पर हल नहीं होना चाहिए इस्लाम में मजहब की जबरी तब्दीली जुर्म है वजीराजम ने आज कराची में होने वाली होली की तकरीब में खसूस तौर पर शिरकत की और बड़े खुशगवार मूड में नजर आए वजीर आज़म नवाज शरीफ ने होली पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद कहा कि पाकिस्तान किसी मज़हब की मुखालफत के लिए वजूद में नहीं आया ख्याल रखना गिरी हुई सोच की दलील है वजीर मुशत की बहाली का जिक्र करते हुए वजी आज़म ने मुल्की मयशत की बहाली का जिक्र करते हुए कहा कि पाक सरजमीन पर तरक्की के गुलाब खिलने लगे है आज दुनिया एतराफ़ कर रही है की एशिया में सबसे ताबनाक मुस्तबल पाकिस्तान का है। उन्होंने कहा कि कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए विफाकी हुकूमत फंड्स फराम कर रही है बहुत जल्द कराची से हैदराबाद तक मोटरवे मंसूबा भी मुकम्मल हो जाएगा वजीर आजम ने हिंदू बरादरी की फलाहो बहबूद के लिए पचास करोड़ रुपए के फंड का भी ऐलान किया नजीर आजम नवाज शरीफ तकरीर के दौरान बड़े खुशगवार मूड में नजर आए उन्होंने एक गाने का जिक्र करते हुए कहा कि अगर उन्हें दस बरस पहले कहा जाता तो वो खुद गाना गाकर सुनाते क्योंकि उनकी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज में उस वक्त कोई फर्क नहीं था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि ऑपरेशन का मकसद मुल्क में आम का क्याम और यकीनी बनाना है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में आम के अफ्तन से खिताब करते हुए उनका कहना था कि की पाक फौज सिक्योरिटी दारों और आवाम की कुरबानियों ने मुल्क को महफूज बना दिया है बचे कुछ दहशत गर्दों और सहूलत कारों का कला कमा करने के लिए ऑपरेशन पूरी के साथ जारी है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी ने और एतराफ किया कि पाक की पाक फौज की कुरबानियों की बदौलत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया दहशत गर्दी की लानत से महफूज हो चुकी है उन्होंने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज और आवाम की कुरबानियों को सराहा आगे बढ़े आपको बताएं कि मुशीर खारजा सरताज अजीज कहते हैं सरताज अजीज है। ने कहा कि दोनों ममालिक के माबेन एतम साजी के लिए जामे और तसलसल के साथ रवाबित की जरूरत है उनका कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसदा दहशत गर्दी में ताव उनको वसात देना होगी मुशी खारजा ने कहा कि रवाबित में बेहतरी के लिए मीडिया का किरदार इंतहा अहम है मुतजा जावेद अबासी की जर सदारत इजलास में गुस्ताखाना मवाद के खिलाफ करारदाद कैप्टन रिटायर्ड सफर ने पेश की जिसमें तोयन रसालत के मर्तकब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया दस रुकनी कमेटी को जिम्मेदार के तयन के साथ उनके लिए सजा तजवीज करने का भी इख्तियार होगा पार्लिमानी कमेटी गुस्ाखाना मवाद की नशर व की रोकथाम के लिए इकदाम भी करेगी इसके साथ ईवान ने मुल्क के हर जिला में ख्वान यूनिवर्सिटी कायम करने की हदायत भी दी जबकि मजहबी स्कॉलर उमा और मसाजिद के इमामों की फलाह बहबूद समेत बारह मुसविद कानून भी पेश किए गए और छठी खाना और शुमारी का आगाज कल से होगा पहले मरहले में मुल्क के तिरसठ अजला में शुमारी होगी खाना और शुमारी का अमल दो मराहल में मुकम्मल होगा जिसमें पंद्रह से सत्रह मार्च तक खाना शुमारी और अठारह से अट्ठाईस मार्च तक शुमारी होगी जबकि एक दिन बेघर अफराद के शुमार के लिए भी मुकर किया गया है पहले मरहले में पंजाब के सोलह खैबर पख्तनख्वार फाटा के चौदह चौदह बलोचिस्तान के पंद्रह जबकि कश्मीर गिलगित बल्तिसान के पांच पांच अजला मेहताब अहमद ने मुलाकात की जिसमें मुल्क की सूरत से मुतल अमूर पर तबादला ख्याल किया गया वजी दाखला का कहना था पी आई ए के बहाली और तरक्की हुकूमत की तरजीह है उन्होंने कहा कि कौमी एयरलाइन में हर सतह पर करप्शन के खात्मे के लिए मुनिम इकदाम करना होंगे विफाकी वजीर तरक् व मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने दावा किया है की कि अगले बीसों में गवादर दुनिया में लीडिंग स्मॉल पोर्ट सिटी होगा लाहौर में तक खिताब में विफाकी वजीर एहन इकबाल का कहना था की साल दो हजार उन्नीस में कोयले से बिजली की पैदावार सिस्टम में शामिल हो जाएगी उन्होंने कहा की सिर्फ तीन बरस में सी पैक मनसूबे के नतज आना शुरू हो गए एहसन इकबाल का कहना था की पाकिस्तान दो हजार पच्चीस में दुनिया की पच्चीस बड़ी मीशतों में शामिल हो जाएगा जबकि दो हजार तीस में शुमार दुनिया की बीस बड़ी में होगा पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो ने विफाक हुकूमत पर आदम एतमाद का इजहार कर दिया कहते हैं कि बेअतमी की फजा कायम करने के बजाय मर्दों मर्दमशुमारी का हर मरहला मुकम्मल होने पर फौरी आदादोशुमार आवाम के सामने लाए जाए कराची में मुख्तलि शोबों से ताल्लुक रखने वाली खुतिन की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर सूबाई वजी निसार खोड़ो का कहना था की पीपल्स पार्टी के ही मुतालबे पर अट्ठारह साल बाद मर्दम शुमारी की जा रही है उन्होंने बताया की मरदम शुमारी में आदादोशुमार छुपाना शकूक और शुभ पैदा कर रहे हैं की कहीं सिंध में आबादी कम न जाहिर की जाए हमारा एतमाद हुकूमत को इतना है नहीं की कल को वोट ऐसा न हो कि किसी सूबे की आबादी को ज्यादा बढ़ा करके दिखाएं और हमारे सूबे की आबादी को कम करके दिखाएं। पीपुल्स पार्टी सिंध के सदर का कहना था कि सियासी लॉन्ग मार्च के ऐलान का मकसद पार्टी कारकुनान को करना था पनामा केस में अब वो तजस्सुस नहीं रहा हम चाहते है जमुर्य, की जमूरियत की पटरी न उतरे वजीर आजम कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता जमूरियत कायम रहनी चाहिए वो तजस ही नहीं रहा वो वो हाइप ही नहीं है की जी कोर्ट को जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को मूर्दा थे कर उनको सजा दे देंगे इस मौके पर डिफेंस सोसाइटी की चेयरपर्सन हुमेरा ने दीगर खुतिन के हमरा पीपुल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया सईदा शैला रजा डॉक्टर सिकंदर मेन्द्रो और इरम खालिद ने पार्टी में शामिल होने वाली खुतिन को खुश आमदीद कहा कैमरामैन अब्दुल्ला बदर के साथ मुनीर साकी ए न्यूज कराची कराची से रिपोर्ट आपने जानी मजीद आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जमाए हुए हैं और पार्टी की तंजीम पर जिलेदारों का चुनाव किया गया मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कियद अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने हमेशा कारकुनों को अहमियत दी और ये रिवायत मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी बिलावल भुट्टो ने पंजाब हुकूमत से यह मुतालबा किया कि बाबर बट के कतलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए सैयद खुर्शीद शाह के बाद सबक वजी अजमफ रज़ा गिलानी ने भी हुसैन हकानी के दावे से ला तल्लुक इजहार कर दिया है कहते हैं कि बतौर वजर अजम उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया गढ़ महाराजा में मीडिया से गुफ्तु करते हुए कहा कि मेमोगेट स्कैंडल सामने आने पर हुसैन हकानी को अमरीका से वापस बुलाकर इस्तीफा लिया ताकि मुनिफाना तहकीकत यकीनी बनाई जा सके सबक वजर अजम ने कहा कि उन अफराज से पूछ गछ की जाए जिन्होंने हुसैन हकानी का नाम ई सी एल से निकाल कर उन्हें मुल्क से फरार होने में मदद दी वजीर अली पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि मरदम और खाना शुमारी बेहतर मुस्कबिल की मनसूबाबंदी के लिए कौमी जिम्मेदारी है मुल्तान में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सतार की जेर सदारत कोर हेड में इजलास से खिताब में वजीर अला पंजाब का कहना था कि हर सतह पर फहाल मनसूबाबंदी करने के लिए मरदम शुमारी की अहमियत अपनी जगह मुसलमह है वजीर अला पंजाब को मरदम शुमारी के पहले मरहल के लिए किए गए इंतजाम पर ब्रीफिंग दी गई उन्होंने इतमान का भी इजहार किया इसके साथ वजीर अला पंजाब को गैरजन पब्लिक लाइब्रेरी के मंसूबे पर भी पेश से आगा किया गया उनका कहना था कि गैरजन पब्लिक लाइब्रेरी का मंसूबा इल्म की किरने बिखेरने के लिए काबिल तहसीन इकदाम है योम पाकिस्तान के मौके पर पाक फौज की परेड के इंतजाम को के परेड के हवाले से इस्लामाबाद में दफा एक सौ चवालीस फौरी तौर पर नाफिज कर दी गई है जबकि परेड ग्राउंड की हदूद में पांच किलोमीटर तक किसी भी किस्म की तमीरत पर पाबंदी होगी एलमिया के मुताबिक तेईस मार्च को मेट्रो बस शाम तक बंद रहेगी जबकि और गिरदोनवा में भैंसों के बाड़े फैजाबाद और सवा के लारी अड्डे भी परेड के मौके पर बंद रहेंगे परेड ग्राउंड से पांच किलोमीटर की हदूद में आने वाले तमाम 17 मार्च से तेईस मार्च तक बंद रहेंगे इसके साथ होटल और गेस्ट हाउसेज में क्या करने वालों की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाएगी जबकि शादी हॉल्स में तकरीबन इक्कीस से तेईस मार्च तक नहीं हो सकेंगी और आप स्पोर्ट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्पॉट फिक्सिंग केस में फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान को मतल कर दिया तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक मोहम्मद इरफान को स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में चार्जशीट जारी करते हुए चौदह दिन में जवाब तलब कर लिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट ने मोहम्मद इरफान को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करने और बुकी से रवाबित पर पी को आगाह न करने पर चार्जशीट जारी की है